मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। भिवंडी में दीवान शाह बाबा की दरगाह पर ताला उस वक्त लग गया जब वक्फ बोर्ड के कुछ मेंबर वहां पर इंक्वायरी करने के लिए पहुंचे थे। दरअसल दरगाह परिसर में दान पेटी जो रखी है उसमें जो चढ़ावा आता है और दरगाह की जो प्रॉपर्टी किराए पर दिए गए हैं उसके भी जो पैसे आते हैं, इन सभी के पैसों के हिसाब किताब में काफ़ी गड़बड़ी पाई जा रही थी और इस तरह की और भी तमाम शिकायतें वक्फ बोर्ड को मिल रही थी। जिसके बाद जैसे ही दरगाह के खादिम को ये जानकारी मिली कि वक्फ बोर्ड के कुछ मेंबर दरगाह में आ रहे हैं, वैसे ही खादिम ने दरगाह में ताला लगाया और वहाँ से चला गया। मगर अब दरगाह की दान पेटी को वक्फ बोर्ड ने सील कर दिया है। वक्फ बोर्ड के जो तमाम मेंबर हैं उन्होंने बताया है कि जब तक नई कमेटी का गठन नहीं होता है तब तक दरगाह वक्फ बोर्ड के अंडर में ही रहेगी। भिवंडी से हमारे सहयोगी फिरोज मेमन ने वक्फ बोर्ड के जो तमाम मेंबर हैं उनसे इस पूरे मामले पे क्या बातचीत की है, सुनिए। दरगाह दीवान शाह पे किस तरह की कार्रवाई हुई? आज जो है महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडल इनकी तरफ से पहले भी इस दरगाह को निगरानी में डायरेक्ट लेने के लिए कार्रवाई की गई थी, मगर उस कार्रवाई में कुछ कमी थी जिसकी वजह से बोर्ड की मंजूरी के बगैर सीओ के अधिकार से किया गया था। उस सीओ के अधिकार और इनका जो प्रकरण यहाँ पे चल रहा था माननीय हमारे कार्यालय में औरंगाबाद में, उस औरंगाबाद की कार्रवाई में सुनावी लेने के बाद जितनी भी यहाँ पे अफरा तफरी हो रही है और दरगाह की प्रॉपर्टी में जो बांधकाम हो रहे हैं बिना परमिशन के, कोई गल्ले का देख रेख नहीं, इसमें जो है एक वाहिद शख्स खालिद भाई, खालिद कुछ नाम है उनका, मैं जो पूरा ये नहीं है, वो कर रहे हैं यहाँ पे, और जो मेन इसके जो है वो हैदराबाद में रहते हैं। ऐसे काफ़ी अफरा तफरी हो रही है जिसकी वजह से यहाँ का मैनेजमेंट बराबर नहीं हो रहा है, दरगाह की हालत ख़राब है, जिसको ये सब नज़र में रखते हुए पूरी सुनावी करने के बाद इसमें इस तरीके का फैसला किया गया कि जब तक के नई कमेटी का इसमें आदेश नहीं पारित किया जाता इसमें जो है यहाँ पर डायरेक्ट ये वक्फ बोर्ड की निगरानी में लिया जाए और इस तरीके का बाकायदा ठहराव मंजूर पास किया गया सुनावी के बाद, और ऐसे आदेश दिए गए कि प्रादेशिक वक्फ अधिकारी इनके अंतर्गत एक कमेटी वो स्थापन करेंगे, वो कमेटी के तहत फिलहाल नए ट्रस्टी बनने तक इसकी निगरानी जो है महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडल उसके निगरानी के तहत चली जाएगी। सर, ये जो ऑर्डर था ये कोर्ट ऑर्डर है कि वक्फ बोर्ड का ऑर्डर? ये बोर्ड का ऑर्डर है, जो पहले इसमें मैंने जैसे पहले ही बताया कि हाई कोर्ट तक ये बात गई थी लेकिन इसमें बोर्ड का ठहराव पास नहीं हुआ था जिसकी वजह से ये रिजेक्ट हो गई थी। जो पहले रिसीवर की जो है यहाँ पे अपॉइंटमेंट हुआ था वो रिसीवर रिजेक्ट हो चुका था, उस रिसीवर को पुख्ता करने के लिए फिर से इसमें जो कमी रह गई थी उसको पूरा करते हुए हमारे माननीय बोर्ड के सदस्यों ने एक मीटिंग ली और ठहराव और सुनावी पूरा करने के बाद उस पर ये आखिरी फैसला लिया कि इसमें काफ़ी अफरा तफरी हो रही है और यहाँ पे दरगाह हज़रत दीवान शाह काफ़ी पुरानी है, इसकी लाखों की अब्जों की प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी पे गैर कानूनी कब्जे भी हो चुके हैं और उसके कई प्रकरणों पे कोर्ट में तहसीलदार में केसेस भी चल रहे हैं, हर कोई इस पे दावा कर रहा है कि हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है जबकि ये पूरी हजरत को दी गई हुई प्रॉपर्टी है। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए वक्फ बोर्ड ने बड़ा ही अच्छा फैसला लिया और इसको फ़िलहाल वक्फ बोर्ड के मातहती में चला जाएगा और उसके अंदर एक कमेटी बनाई जाएगी जिसके जो हमारे प्रादेशिक उपाधिकारी के अंडर में होगी, जिसका फैसला जो है माननीय सदस्य मुदस्सिर लांबे और हमारे आज जो मेंबर आए थे जितने उसमें से दो मेंबर चले गए, तो इनके निगरानी में इनकी उपस्थिति में ये सारी कार्रवाई पूरी करी गई और जिसमें जैसे कि इनको मुजावर को बुलाया गया, तो मुजावर ऐसा तो हमने कभी सुना नहीं कि आज तक कभी दरगाह यहाँ पर बंद होती है जी। लेकिन जैसे ही उनको पता चला कि आज 3 बजे कार्रवाई होने वाली है और ये लोग हमारे से पूछेंगे और यहाँ अफरा तफरी का माहौल हो जाएगा, तो इन्होंने दरगाह को जो है बंद कर भाग गए। फिर हमने इनको बुलाया ताकि दरगाह के गल्ला गिना जाए, इसमें कितने पैसे देखे जाए, मगर हमको इसमें इन्होंने किसी तरह का कोई कोऑपरेशन ना देते हुए अपने दोनों ही लोगों ने, मुजावर ने भी और उन्होंने भी खालिद, फ़ोन बंद करके भागे हुए और कहाँ है कुछ आइडिया नहीं है, कुछ फ़ोन नहीं लग रहा उनका, लिहाजा हमको फिर हमने जैसे है वैसी ही परिस्थिति में सबके सामने गल्लों को कोई छेड़खानी नहीं गई, ना कोई ताला तोड़ा गया ना कुछ किया गया, गल्ला जैसा है वैसे ही रखकर हमने इसे सील किया है और सब लोगों के पंच के सामने ये कार्रवाई पूरी करी और दरवाज़ा जो बंद करके चला गए थे उसको हमने खोला है क्योंकि दरगाह है, ज़ाहरीन आते हैं, इस तरह किसी की जाती मिल्कियत नहीं है कि इसको ये दरगाह को ये जब चाहे लॉक लगा के चले जाए, तो इसको बंद किया गया था जिसको हमने यहाँ खोला और खोलने के बाद जैसी वैसी परिस्थिति में
इस दरगाह के गल्लों को हमने रखा है। आइंदा इसमें जैसी कमेटी का हम डिक्लेयर करेंगे, यहाँ पे वोट लगाएंगे, वो कमेटी भी हमारे अंतर्गत चलेगी, उसके बाद में फाइनल जब डिसीजन होगा तब तक ये अभी वक्फ बोर्ड के निगरानी में रहेगी। सर, ये जो मुजावर और लोग जो छोड़ के चले गए थे दरगाह को लॉक करके चले गए थे, तो उनसे कोई कार्रवाई होगी? फिलहाल डिसाइड करेगा। हाँ, अभी बाकी की मालूमात उस पर कार्रवाई करने का अधिकार जो है ये महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडल का है, जो पंचकी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंशे निगरानी में होगा, जिसके ऊपर फैसला लेने का अधिकार जो है वक्फ बोर्ड का है। तो हमारे मुदस्सिर लांबे साहब जो है जो हमारे साथ में, बाकी की ये बताएंगे। देखिए, ऐसा है कि ये तो 100% सही है कि कहीं तो महानगर पालिका भी इसमें इन्वॉल्व है, और जब भी वक्फ़ की प्रॉपर्टी के ऊपर कोई डेवलपमेंट होता है तो जाहिर सी बात है कि उनके वक्फ़ की परमिशन होना ज़रूरी होती है, लेकिन वहाँ पे मैनेज होने की वजह से जो है उनकी विदाउट परमिशन जो है उन लोग डेवलपमेंट करते हैं। तो इसके लिए भी हमने जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट से भी हमारी बातचीत हो चुकी है, मंत्री साहब से भी बात हो चुकी है, और बहुत जल्दी जो है हम लोग इस नतीजे पे आएंगे कि हमारी वहाँ से एक रेजोल्यूशन और गैजेट GR पास होगा, जिसमें लिखा हुआ रहेगा कि जहाँ भी हमारे वक्फ़ की प्रॉपर्टियाँ जहाँ डेवलपमेंट होना चाहता है तो उसके पहले वक्फ़ की परमिशन होना ज़रूरी है, उसके बगैर आप कोई डेवलपमेंट नहीं कर सकते। नहीं, आप पर्टिकुलर कौन सी एरिया की बात कर रहे हो, मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। नहीं, बहुत से एरिया में सर ऐसा हमने देखा गया है कि वक्फ के लिए रिपेयरिंग की परमिशन होती है और फिर उसके ऊपर बिल्डिंगें खड़ी हो जाती है। नहीं, अभी जो हमारी जो कमेटी आई हुई है वक्फ बोर्ड में, जो हमारे जो मेंबर्स लोग 11 मेंबर्स अभी आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम लोगों ने तो यही शुरुआत की है कि जहाँ पे हमारे इलीगल इंक्रोचमेंट हो चुका है या तो रिपेयर का परमिशन मांगते हैं हमारे पास, तो हमारे वहाँ पे रीजनल ऑफिसर खुद जाते हैं, वहाँ पे विजिट करते हैं, उनके प्लान चेक करते हैं, उनके बजट चेक करते हैं कि भाई किस हिसाब में बनेगा, वाकई इसका रिपेयर है कि और पूरा डेमोलिश करके उन लोग उसको एक्सटेंशन कर रहे हैं या नई बिल्डिंग बना रहे हैं। ये सब हमारे जो है, हमने जिम्मेदारी जो है हमारे CO साहब को और हमारे रीजनल ऑफिसर को हमने दी हुई है। ये एक्चुअली ऐसा है कि हम लोग बहुत जल्दी जो है हमारी कमेटी का संगठन कमेटी जो है एज सून एज पॉसिबल हम उसको डिक्लेयर करेंगे, ये हमारी बोर्ड डिसाइड करेगा, और बोर्ड के सामने जो है हम हमारे लोगों के नाम जो हैं स्थानिक लोग होना चाहिए यहाँ के, हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है। और जिस तरह से अब तक का हाल जो था यहाँ पे दरगाह और जो हमारी जो 57 एकड़ जो जगह है वक्फ की, जहाँ पे लोगों के ऑलरेडी घर बने हुए हैं, दुकानें बने हुए हैं, इनके भाड़े जो आते थे वो इलीगली तरीके से कहीं और चले जाते थे, तो इन चीज़ों को सबको देखते हुए हम लोग ने जो है इसको हमारे पहले बोर्ड रेजोल्यूशन के हिसाब से हमने जो है उसको हमारे कंट्रोल में ले लिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने मतलब पंचनामा और जो हमारे जो डॉक्यूमेंटेशन थे हमने सब हमारे पूरे किए। हम सुबह में हमारे ऑफिसर जो हैं वो पुलिस स्टेशन में भी गए थे, लेकिन पुलिस स्टेशन हमको रिस्पांस नहीं मिलने की वजह से जो है हम यहाँ पे आ गए 3:15 बजे के वक्त पे। तो यहाँ पे मालूम पड़ा कि यहाँ के जो मैनेजर हैं उन्होंने लॉक मार के चले गए, हालाँकि वो बोर्ड पर नहीं है, कहीं भी उनका नामो निशान नहीं है यहाँ पर, लेकिन उन्होंने लॉक क्यों मारा इसका हम तो बोर्ड में भी सवाल पूछा जाएगा हम, और रहा सवाल के उनके ऊपर हम लीगल कार्रवाई भी करेंगे। देखिए, ऐसा है कि हमारे रीजनल के हिसाब से जो है जिसमें भिवंडी भी हैं और कोकण रीजन भी आता है, जिनके लिए हमारे ऑफिसर जो जब्बार साहब जो हैं बाजू मेरे खड़े हैं, उनका अपॉइंटमेंट ऑलरेडी पहले से काफ़ी सालों से चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह वो देखभाल कर रहे हैं। लेकिन आपको और एक बात बताना चाहता हूँ कि अभी हमको फाइनेंस डिपार्टमेंट से हमको एक अप्रूवल भी आया हुआ है 4 दिन पहले कि हम 106 स्टाफ जो है हमारे वक्फ बोर्ड के लिए हम नए अपॉइंट कर सकते हैं, हमारा अप्रूवल हो गया है, और जैसे ही अपॉइंटमेंट हो जाएंगे वैसे हम हर रीजन में जो है 6-6 स्टाफ हम और ऐड करने वाले हैं। सर, एक लास्ट सवाल, जैसे कि आपने बताया कि दरगाह दीवान शाह की 55 एकड़ जो जमीन थी जिसके ऊपर लोगों ने इलीगल कब्जा कर लिया, तो जिन लोगों ने इलीगल कब्जा कर लिया है और महानगर पालिका में भी जो है उनका असेसमेंट वगैरह हो चुका है, तो उनके ऊपर भी कुछ आप लोग जो है पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे क्या? नहीं, ऐसा है कि देखिए, पुराने गड़े उखाड़ने से हल निकलना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज मुझे बताइए कि आज अगर दीवान शाह दरगाह की अगर प्रॉपर्टी के ऊपर जिन मुसलमान हमारे भाई कम से कम 50-100 साल से यहाँ रह रहे हैं, तो हम उनको इस तरह से तो नहीं बोलेंगे कि भाई तुम हमारे टेनेंसी नहीं हो करके तुम खाली करो, लेकिन इतना है कि जहाँ पे खाली जगह बची हुई है हम उसको पूरा सेव करने की कोशिश करेंगे, और जो हमारे दीवान शाह ट्रस्ट के जो टेनेंसी में जो आते हैं भारोतरी जो हैं उनसे हम वसूली भी करेंगे। सर, अभी जब तक ये सारी चीज़ें काबू में नहीं आती तब तक इसका यहाँ पे इंतजामिया कैसे होगा?
ये एक्चुअली कमेटी जो बनेगी वो हमारे रीजनल ऑफिसर के अंडर में रहेगी। इसके लिए फ़िलहाल जो है हमने जो है कमेटी का अभी स्थापना किया नहीं, बनाया नहीं है, लेकिन आज की पोजीशन में हमने जब ये लिया हुआ है दरगाह को हमारे कंट्रोल में, मतलब दरगाह की प्रॉपर्टी और ट्रस्ट को हमने हमारे कंट्रोल में लिया है। इसके लिए हमने जो रीजनल ऑफिसर हमारे जब्बार साहब है इनके अंडर में जो है, जब्बार साहब जो हैं हमारे हेड ऑफिस बम्बई ऑफिस में रहते हैं तो उनको डेली आना जाना तो पॉसिबल नहीं होगा। इसके लिए हमने जो स्थानिक लोगों को, फ़िलहाल दो लोगों को हमने ऐसे चुना है, एक का नाम है अदनान कुवारी साहब हैं और दूसरा रोहेब भाई हैं। इनको फ़िलहाल जो है हम जिम्मेदारी जब्बार भाई के अंडर में इनकी जिम्मेदारी हम अदा कर दी जाती है।